Subscribe and press the bell icon for latest update. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હંમેશા દેશની સેવા, દેશની ચિંતા ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કરી છે અને એ દ્રષ્ટિથી આપણે આગળ વધવા માંગીએ છીએ. રાહુલ ગાંધીને પૂછવા માંગુ છું, તમે હંમેશા કહો છો કે આ દેશમાં બેરોજગારોની સંખ્યા ગુજરાતમાં વધી છે, તમે કહો છો કડીક સવારની સભામાં કહો છો કે 20 લાખની સંખ્યા હતી, સાંજે કહો છો 50 લાખની સંખ્યા છે, તમે કહો છો આંકડા આપો છો, સૌ જૂઠા આંકડા આપો છો. તમને ખબર નથી, તમને કોઈ ચીઠી પકડાવીને જાય છે. મારી તમને પડકાર છે કે તમે જે આંકડો આપો છો એ આંકડો એની પ્રમાણ આપો, એની ઓથેન્ટિસિટી આપો. ગુજરાત રોજગારી ઉત્પન્ન કરવામાં નંબર 1 છે અને એટલે જ તમારા અમેઠીમાંથી 12,000 લોકો અહીંયા રોજી રોટી લેવા માટે આવ્યા છે. નમસ્કાર, આપ દેખ રહે હૈ SPNI ન્યૂઝ, મેં હું કાશિફ અલી. એ જો અભી આપને વિડિયો દેખી હોગી, ઇસમેં આપ દેખ કર અંદાઝા લગા સકતે હૈ કે યે વિડિયો કહાં કી હૈ. ઇસ દેખ વિડિયો કો આપ દેખ કર અંદાઝા લગા સકતે હૈ કે યે હમારે દેશ હિન્દુસ્તાન કે શહેર ગુજરાત યાની રાજ્ય ગુજરાત કી હૈ. વો ગુજરાત જ્યાં ઇસ વક્ત ચુનાવી દંગલ હમ કહે સકતે હૈ સજા હુઆ હૈ. કોંગ્રેસ ઓર બીજેપી લગાતાર વહાં પર એક દૂસરે પર હમલાવર હો રહે. ये जो तस्वीरों में, ये जो वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक लड़की को पुलिस वाले उठा कर लेके जा रहे हैं और वो बाहर लेकर जा रहे हैं, एक सभा से बाहर कर रहे हैं उसे. मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो पहले मैं दिखाऊँगा आपको कि उसकी हकीकत क्या है, वो तस्वीर कौन है लड़की और वो कहाँ से और क्यों हटाया जा रहा है उसको. ये एक खबर है गुजरात के CM रूपानी के सामने हुआ शहीद की बेटी का अपमान. राहुल गांधी ने कहा है शर्म कीजिए. जी हाँ, ये जो वीडियो में आपने देखा, ये एक शहीद की बेटी है जो CM रूपानी से कुछ गुहार लगाने आई थी, लेकिन CM रूपानी से मिलने नहीं दिया गया और उसको बाहर कर दिया गया. बाहर किस अंदाज में करा वो आपने खुद देखा. गुजरात में चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है. चुनाव प्रचार में नेताजी अपने लगातार बयान दे रहे हैं. इसी बीच CM विजय रूपानी की एक सभा में शहीद की बेटी के साथ कुछ ऐसा सलूक किया गया जिसे देखकर कोई भी शर्मिंदा हो सकता है. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे शहीद के परिवार का अपमान बताकर BJP पर करारा वार किया है. मैं आपको बताता हूँ कि पूरा मामला क्या है. गुजरात में एक रैली के दौरान शहीद BSF जवान की बेटी मुख्यमंत्री विजय रूपानी से मिलने पहुंची थी, लेकिन वहां उसे महिला पुलिसकर्मियों ने रोक लिया और घसीट कर बाहर निकाला. मंच के नीचे उस लड़की के साथ पुलिस ऐसे पेश आई जैसे वो कोई उपद्रवी हो या कोई ऐसा, जैसे कोई बहुत बड़ी शातिर अपराधी हो. ये सब मुख्यमंत्री के सामने हो रहा था. जी हां, ये गौर करने वाली बात है. ये गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की आंखों के सामने हो रहा था और वहां पर उन्होंने उसे रोकने के बजाय उसे शांति से बाहर ले जाने के लिए कहते दिखे. जी हाँ, ये विजय रूपानी साहब हैं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं. वो कह रहे हैं कि शांति से बाहर लेकर जाइए आप लड़की को. यानी वो पुलिस वालों को नहीं रोक रहे हैं, वो पुलिसकर्मियों को नहीं टोक रहे हैं कि आप इस तरीके से कैसे एक महिला को घसीट सकते हैं. ये वही राज्य है जहाँ पर कांग्रेस और BJP अपना दमखम लगा रही है. इससे पहले मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा कि ये BJP और कांग्रेस जिस तरीके से महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाते हैं, ये नेता इनके दिखाते हैं कि हम महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान करते हैं. 33% आरक्षण की बात की जाती है विधानसभा में और लोकसभा में, लेकिन हकीकत कुछ और है.
अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस ने 8 महिलाओं को 170 में टिकट दिया है और भाजपा ने 180 में 7 लोगों को महिलाओं को टिकट दिया है। यानी ये हकीकत है और ये हम कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति कितना आदर करती हैं ये पार्टियां। यानी वे टिकट भी सिर्फ दे रही हैं, 1-2% लोगों को महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है। जहां पिछली बार अगर हम बात करें एक समीकरण में तो एक बीजेपी को टिकट दिया गया था महिला को, उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन उसके बावजूद भी उस सीट पर एक पुरुष को उतारा गया। यानी आप बीजेपी की और कांग्रेस की मानसिकता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो महिलाओं के प्रति इतनी सम्मान की बात करते हैं, लगातार बातें होती हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए लोकसभा में विधानसभा में, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं के प्रति बीजेपी हो या कांग्रेस हो कितना सम्मान करती है। ये विजय रूपानी मुख्यमंत्री के सामने होता रहा, आंखों के सामने होता रहा, महिला को घसीट कर ले जाया जा रहा था लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था। और जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा होगा, आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि कितने शर्म की बात है हमारे देश में, कहां महिलाओं के उत्थान की बात होती है, महिलाओं के सम्मान की बात होती है, लेकिन विजय रूपानी साहब जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने महिलाओं का अपमान होता रहा और वो कहते दिखे कि आराम से लेके जाइए। यानी उन्होंने महिला पुलिस वालों को नहीं टोका, किसी को नहीं टोका, सिर्फ और सिर्फ महिला को बारे में कहते रहे कि इसे शांति से बाहर निकाल दीजिए। क्या यही देश का एक हम कह सकते हैं कि पैमाना है, क्या देश की तरक्की का यही पैमाना है कि आप महिलाओं को अपमान करेंगे, ऐसे घसीट कर लेके जाएंगे आप पब्लिक प्लेस पर कि एक महिला को आप इस तरीके से लेके जा रहे हैं कि अपने आप में शर्म की बात है। मैं आपको बता दूं कि ये सब मुख्यमंत्री के सामने हो रहा था। ये जिस लड़की के साथ पुलिस ने सुलूक किया है वो कोई और नहीं बल्कि शहीद अशोक तड़वी की बेटी रूपल है। जहाँ इस लड़की को जो आपने वीडियो में देखा उसका नाम रूपल है, ये एक शहीद है अशोक, उनकी बेटी है जो गुजरात के सीएम विजय रूपानी के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची थी। लेकिन रूपानी साहब तो चुनाव में बिजी हैं, वो बिजी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं आप आराम से लेके जाइए, इसे बाहर तो करिए लेकिन आराम से करिए। ये सियासत का मंच है, ये राजनीति है, राजनीति हो रही है, महिलाओं का अपमान कीजिए और वोट हासिल कीजिए। अगर जनता को ऐसी पार्टी को ही वोट देना है कि जहां महिलाओं का अपमान होता है तो इसमें हम कह सकते हैं कि जनता ही शायद कहीं ना कहीं दोषी है। अगर हम इस पर और गहराई से लेकर जाएंगे, रूपल की उम्र 26 साल बताई जा रही है और वो कई सालों से इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही है। मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रदर्शन कर क्यों रही है, असल में इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही है कि उसके पिता अशोक तड़वी के शहीद होने के बाद सरकार ने जो जमीन देने का कथित रूप से वादा किया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ। जी हाँ, वही बात, वही चीज़ और वही बातें हमेशा की तरह, वादे वादे वादे। नेताजी ने वादे करे थे कि अशोक तड़वी को जमीन देंगे, हम शहीद हो गए हैं, उन्होंने देश के लिए अपनी जान लुटाई है, हम जमीन देंगे। लेकिन उनकी बेटी जब प्रदर्शन करती है वो विजय रूपानी से आकर गुहार लगाती है मुख्यमंत्री से कि मेरे पिता शहीद हो गए हैं, मेरे पिता एक सैनिक थे जिन्होंने देश के खातिर अपनी जान को गंवा दिया। लेकिन जब वो कहती है कि सरकार से मुझे ज़मीन दे दीजिए तो विजय रूपानी साहब ज़मीन देने तो क्या ही देंगे, वो कहते हैं कि इन्हें बाहर कर दीजिए, इज्जत से इन्हें बाहर कर दीजिए। यानी नेताओं की कथनी और कथनी में कितना अंतर है आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस तरफ का, हम कैसा हिंदुस्तान तैयार कर रहे हैं। एक सैनिक की बेटी अगर विरोध कर रही है, अगर वो अपना हक मांग रही है तो आखिर वो अपना हक किससे मांगेगी, सरकार से ही तो मांगेगी अपना हक। वो हक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखना चाहती है। लेकिन विजय रूपानी साहब के पास शायद ना वक्त था और ना उन्हें सैनिकों के प्रति कोई सम्मान था, तभी उन्होंने इस तरीके की हरकत की। और जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा कि जिस तरीके से एक महिला को, एक लड़की को इस तरीके से ले जाया गया, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत शर्म की बात है। मैं आपको और इस खबर का और लेके जाना चाहूँगा, ये उस वक्त का वाक्य है जब मुख्यमंत्री एक रैली को संबोधित कर रहा है। नेताजी थोड़ा बिजी हैं, रैली को संबोधित कर रहे हैं, बीजेपी भी दमखम लगा रही है, कांग्रेस उपाध्यक्ष भी मंदिरों में जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़मीनों की सच्चाई से रूबरू कोई नहीं होना चाहता, चाहे वो राहुल गांधी हो या चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। धर्म की और इसकी उसकी राजनीति सब कर रहे हैं लेकिन हकीकत से कोई रूबरू नहीं हो रहा है। देशभक्ति की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें की जाती हैं कि राष्ट्रगान खड़े होकर गाना है या बैठकर गाना है, लेकिन एक सैनिक जो शहीद हो जाता है, बॉर्डर पर शहीद हो जाता है, उसकी बेटी को किस तरीके से अपमानित किया जाता है ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेताजी अगर हम बात करें, विजय रूपानी साहब एक रैली को संबोधित कर रहे थे,
अचानक से चिल्लाते हुए मंच की दौड़ पड़ी वो लड़की, रूपल जो है वो दौड़ पड़ी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, वो ये बार बार चिल्ला रही थी। लेकिन नेताजी के कान में तो शायद आवाज़ सिर्फ राजनीति की आती है, उनके कानों में सिर्फ धर्म की ओछी राजनीति की आवाज़ आती है। नेताजी के कानों में जो है वो गरीब की, मजदूर की, बेसहारा की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि नेताजी थोड़े से बिजी रहते हैं। नेताजी के कान में ज़रूरतमंदों की आवाज़ नहीं आती। वो चिल्ला रही थी मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, लेकिन विजय रूपाणी साहब कह रहे हैं कि इसे बाहर कर दीजिए। ये क्या हकीकत है, ये किस तरीके का हम देश तैयार कर रहे हैं। इसके बाद मानो कोहराम मच गया। रूपल के कुछ कह पाने से पहले ही पुलिस वालों ने उसे घेर लिया, जैसे कि वो कोई उपद्रवी हो। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महिला से इतना डर गए आप कि आपने पुलिस वालों की पूरी, हम कह सकते हैं कि पूरी बटालियन वहाँ भेज दी उसको पकड़ने के लिए। आप इतना एक महिला से डर गए। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने उसे घेर लिया, उसे सभा स्थल से बाहर ले जाने लगे। उस वक्त रूपानी ने मंच से कहा, नेताजी के बोल मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं आपसे इस कार्यक्रम के बाद मिलूँगा, लेकिन कोई मुलाकात नहीं। यानी आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का देश तैयार किया जा रहा है। विजय रूपानी साहब रैली को संबोधित कर रहे थे, नेताजी थोड़े बिजी थे, वो एक सैनिक की बेटी से मिलना नहीं चाहते थे। वो चिल्ला रही थी मैं मिलना चाहती हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ शायद नेताजी को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि नेताजी तो राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें ज़रूरतमंदों की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी जाती। हकीकत तो ये है कि वो एक सैनिक की बेटी थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक सैनिक बॉर्डर पर अपनी जान न्यौछावर कर देता है, जो इस देश के सम्मान के लिए, आन के लिए, शान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है, आज उसकी बेटी के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, ये उन देशभक्तों के लिए मुंह पर तमाचा है जो ये बात कहते हैं कि राष्ट्रगान खड़े होकर गाना चाहिए। खड़े होकर पहले देशभक्ति अपने अंदर दिल से जगाइए, सैनिकों का सम्मान कीजिए, उन सैनिकों का सम्मान कीजिए जो बॉर्डर पर न रात देखते हैं, न दिन देखते हैं, ठंड की परवाह करते हैं, न गर्मी और न बरसात की परवाह करते हैं। लेकिन जब वो शहीद हो जाते हैं, जब उनकी बेटी, और शहीद होने के बाद नेताजी जब पहुँचते हैं, जब अंतिम संस्कार में पहुँचते हैं सैनिकों के, ये एक राज्य की कहानी नहीं है, ये देश के हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर राज्यों की यही कहानी है कि एक सैनिक का शव आता है, नेताजी पहुँचते हैं, ज़मीन का, पैसे का वादा होता है, लेकिन जब वादा निभाने की बात आती है तो नेताजी कह देते हैं कि अभी हो नहीं पाएगा, इंतज़ार कीजिए। यही तो मसला था, यही तो मुद्दा था कि बेटी पहुंची थी कि आपने ज़मीन का वादा किया था नेताजी, ज़मीन चाहिए। नेताजी कह रहे हैं कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा, और शायद मिले भी नहीं। ये वो तस्वीर है, ये वो वीडियो जो आपने देखी, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कौन से महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। महिला को जिस अपमानित तरीके से घसीटा गया, जिस तरीके से ले जाया गया, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये वो लोग हैं, हम कह सकते हैं वो पार्टियाँ जिस तरीके का देश तैयार कर रही हैं कि बातें कुछ और काम कुछ और, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो देश हमारा भारत महान नहीं हो सकता। हमें इस तरीके का देश करना है, तैयार करना है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाए, जहाँ मजदूर, जहाँ गरीब, बेसहारा, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो अपने आप को बहुत पिछले हाशिए पर जानते हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा। आपको सबको सम्मान के साथ देखना पड़ेगा, तभी इस देश को हम कह सकते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दीजिए इजाज़त, हम फिर हाज़िर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, और जुड़े रहिए एस पी एन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।